लगातार भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करती है उसमें से एक बड़ा मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है करप्शन की, भ्रष्टाचार की। और भ्रष्टाचार हर क्षेत्रों में है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार है वो आए दिन आप सब लोग यहाँ देख रहे हैं। झारखंड में अखबार की सुर्खियों में रोज बटोर भी रही है। अभी आप सब ने देखा कि हाल फिल्म में किस प्रकार से ईडी वालों ने जगह जगह पर छापा मारा और फिर उसके बाद कई को जेल गए और कई लोगों को शायद रास्ते में भी होंगे। यानी भ्रष्टाचार इस राज्य की जो सरकार है, लगता है कि सरकार ही भ्रष्टाचार के लिए बनी है। अब भ्रष्टाचार का कोई भी क्षेत्र इन्होंने नहीं छोड़ा है कि जहां पर वो भ्रष्टाचार नहीं करता। और सरकार को बार बार आगाह करने के बाद भी, मुख्यमंत्री को सचेत करने के बाद भी, देखो भाई यहाँ गड़बड़ी हो रही है, इस गड़बड़ी को रोकिए, अगर आप इस गड़बड़ी को नहीं रोकेंगे तो फिर एक दिन आपको भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा था कि उस भ्रष्टाचार में से एक बड़ा भ्रष्टाचार इन दिनों अखबार की सुर्खियों में भी है। और वैसे मैंने कल ट्वीट भी कर दिया था, आप सब लोगों ने देखे भी होंगे, कि शराब की घोटाला के बारे में। तो ये जो इस राज्य की लूट की एक, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, कहानी है। तो मैं ये कह रहा था कि इस प्रकार से इस प्रदेश को लोग हर चीज़ों की जो लूट, चाहे वो जमीन की लूट हो, चाहे वो दारू की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे कोयला की हो, जहाँ भी जाएंगे, जिस ओर जाएंगे, चारों तरफ लूट ही लूट मची हुई है। अब राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर जब ईडी वाले जब उनको नोटिस देते हैं, आप सब लोगों ने देखा, तो वो कहते हैं कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। भाई आदिवासी मुख्यमंत्री हैं तो इस लूटने के लिए आप नहीं हैं। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कहां गड़बड़ी हो रहा है, तो आप भले ही हमें अपोजिशन के लीडर ना माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो विधायक दल के हमें लीडर बनाए हैं, वो भी आप नहीं मानते हैं, तो इस प्रदेश के हम मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो हमें इतना तो अनुभव है कहाँ गड़बड़ी होती है। और वो भी आप नहीं मानते हैं, तब भी मैं मानता हूं कि भाई हम इस झारखंड के एक नागरिक हैं। अगर हमें जानकारी मिल रहा है किसी को भी कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ लूट हो रहा है, तो अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी जाती है तो फिर उस पत्र पर उनको संज्ञान लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई ना करके, आप देखे होंगे उस समय हमें किस प्रकार से लोग पत्र वीर के नाम से लोग हमें लोग उपाधि भी लोगों ने दिया कि भाई ये पत्र वीर है, चिट्ठी लिखते रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। भाई हमें तो इसी काम के लिए जनता ने चुन करके भेजा है, इसी काम के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमें विधायक दल के नेता भी बनाया है कि भाई राज्य में कहीं गड़बड़ी हो रहा है तो आप उस पर आवाज़ उठाए, उसके लिए सरकार को आप सचेत करें। और इसके बाद अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है मुख्यमंत्री, और फिर जब उनके ऊपर जांच एजेंसी नोटिस देती है, पूछताछ करती है, तो किस प्रकार से आवाज़ उठाते कि भाई हम आदिवासी हैं इसलिए हमको तंग कर रहे हैं, इसलिए हमको परेशान कर रहे हैं। मैंने इसलिए इस बात को यहाँ बताया कि आप सब लोगों ने ये चिट्ठी देखी कि हमने तो जिस समय से ये जो शराब की शुरुआत हुई थी, टेंडर की, ऑक्शन की, जिन लोगों को देने की
और उस समय से जो हमें गड़बड़ी की जो जानकारी मिली और उस वक्त से हम पत्र सरकार को लिखते रहे, उस समय से हम मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को हम सचेत करते रहिए, गड़बड़ी हो रही है। 18 अप्रैल को लिखे, 19 अप्रैल को लिखे, फिर हमने दिसंबर में, 9 दिसंबर को हमने पत्र लिखे उनको, सरकार को, और इसके बाद भी राज्य के मुख्यमंत्री ने उन भ्रष्ट पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की। अगर वो भ्रष्ट अफसरों के ऊपर कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब ये होता है कि मुख्यमंत्री इन सारे लूट में समान रूप से सहभाग है, भागीदार है, उसमें हिस्सेदारी है उनकी, और तभी तो उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। नहीं तो फिर कार्रवाई करके हमको बता देते कि भैया ऐसा नहीं है, इन सारे चीज़ों की जानकारी वो देते, या फिर हमें नहीं भी देते तो कार्रवाई करते। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।